गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार ने 15 महीने में वल्लभ भवन में बैठकर सिर्फ एजेंडे ही बनाए हैं, किया कुछ नहीं है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आपके नेता कंबल ओढ़कर घी पीते हैं। जाहिर है ये बात उन्होंने दिल्ली के मंत्रियों के भ्रष्टाचार को लेकर कही है। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार में कुछ काम नहीं हुआ। कमलनाथ सरकार में कांग्रेस ही वल्लभ भवन में बैठकर एजेंडे ही बनाते रहे। कांग्रेस ने 15 महीने में कोई भर्ती न करके प्रदेश के युवाओं के साथ छल किया है। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ आरोप पत्र पर कहा, जब कुछ आरोप ही नहीं है तो कांग्रेस ही भाजपा के खिलाफ आरोप पत्र कैसे बनाएंगे। मिश्रा ने कहा, डॉक्टर गोविंद सिंह की पार्टी के 19 विधायक क्रॉस वोटिंग कर देते हैं, उन्हें अपने विधायकों पर ध्यान देना चाहिए। वहीं राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा कि वायनाड में राहुल गांधी के ऑफिस में कांग्रेसियों के हमले के बाद अब राहुल बाबा के पास उत्तर दक्षिण में अच्छा कौन है, इससे संबंधी अंतर करने का कोई उत्तर नहीं होगा। वो एजेंडे ही तो बनाते रहे, किया तो उन्होंने कुछ है नहीं। अगर किया होता तो 15 महीने की एक आप उपलब्धि बताएं कि कर्जा माफ कर दिया था, बेरोजगारी भत्ता दिया था, किसान को ये लाभ दिया था, कोई बता ही नहीं सकते। हाँ, एजेंडा जरूर बनाते रहे थे वल्लभ भवन में बैठ के। इससे आप कांग्रेस की दयनीय हालत समझ सकते होंगे। अमेठी से निकल के वायनाड पहुंचे थे और उस समय उनने कहा था कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत के लोग श्रेष्ठ बता दिए थे। अब श्रेष्ठता समझ में आई होगी जब उन्हीं के कार्यालय के लोग उसमें शामिल निकले। कांग्रेस कार्यकर्ता है, उन्हीं की गिरफ्तारी हुई है। अब इस पर तो किसी कांग्रेसी को कुछ बोलना चाहिए। हम तो यही बोल सकते हैं कि जब डूबती कांग्रेस है, अस्ताचल की ओर इसका सूरज है, हताश कांग्रेस है, निराश कांग्रेस है, डूबती कांग्रेस है। अब राहुल बाबा ना उत्तर के रहे ना दक्षिण के, और मुझे नहीं लगता कि अब उत्तर दक्षिण में से इनके पास कोई उत्तर भी होगा। नरोत्तम मिश्रा ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में जो हर बार हश्र इस पार्टी का हुआ है, इस बार भी वही होगा। उन्होंने आम आदमी पार्टी को लेकर कहा कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के नेता कंबल ओढ़कर घी पीते हैं। देखो, आम आदमी पार्टी ऐसे हाथी के दांत होते हैं ना, दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। ये आम आदमी पार्टी के नेता हैं, ये कंबल ओढ़ के घी पीते हैं। अब समझ में आ गई है और पकड़ में भी आ गई है। अगर कोई जांच हो रही है तो इतनी बौखलाहट काय की है, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? हमारे यहां तो कहावत है, चोर मचाए शोर। आप अगर सही हैं तो अपना मीडिया के सामने सबूत रख दो। What starts here changes the world of opportunities, the world of inspirations. We are LNCT Group, where every beginning changes the world, providing the best results, highest packages and delivering the best manpower to the biggest companies in the world. LNCT Group, choose the best to be the best. For admissions call 7440-777-111. Rabindranath Tagore University, the pioneers in skill development. With focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।